नमस्कार, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। इसमें दिया है इफ टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल रूट 3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल 1/√3, ए प्लस बी इक्वल 90 एंड फाइंड करना हमें ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ये चीजें देखेंगे, यहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है। तो टेंजेंट ए प्लस बी रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेंजेंट 60, ठीक है। इससे कट जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास, ए प्लस बी 60। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद लेते हैं सेकंड को, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है टेंजेंट 30। अब सिंपल, इससे कट गया, यहाँ पे क्या रहेगा, ए माइनस बी 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, अब क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, प्लस और माइनस कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2a इक्वल 90 और a बराबर कितना हो गया, काट देंगे तो 45। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45। अब हमें फाइंड क्या करनी है, b की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, a को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो a की जगह हमने देखो ये इसमें रखेंगे, तो a की जगह 45 प्लस बी 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना जाएगा, अब ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो कितना आ गया हमारे पास 15, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है और बी की, ये हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई 45 और बी की वैल्यू कितनी आई है 15। इनको हम एंगल में लिख सकते हैं, एंगल ए 45 और एंगल बी 15। नमस्कार।